Hello everyone, welcome to my channel. So today I am here with another vlog. So recently मैंने एक face sheet mask order किया था Nykaa से. That's professional O3 face sheet mask. So आज मैं उसको apply करके देखने वाली हूँ how it works. So let's get started. So सबसे पहले मैंने अपने face को अच्छे से face wash से धो लिया है and अब मैं face sheet mask को apply करने वाली हूँ. सो बेसिकली ये एक बबल शीट फेस मास्क है. ये जनरली आपके स्किन को एक इंस्टेंट ब्राइटनिंग लुक देता है. सो देखते हैं इसका इफ़ेक्ट कैसा आता है आफ्टर अप्लाइंग इट. सो मैंने हर एक साइड से अच्छे से डैप करके लगा लिया है ताकि वो मेरे फेस में अच्छे से बैठ जाए. एंड आप देख सकते हो अभी तक बहुत सारा इन्ग्रीडियंट प्रेजेंट है पैकेट के अंदर में. सो उसको भी मैं थोड़ा ऊपर से लगा लूँगी. एंड आपको ये 15 मिनट्स अप्लाई करके छोड़ देना है. 15 मिनट्स हो चुके हैं एंड नाउ आई विल रिमूव इट. अब मैं जेंटली अपने स्किन में थोड़ा सा डैप कर लूँगी रिमेनिंग जितना भी फेस पे लगा हुआ है एंड देन आफ्टर दैट आई विल वॉश माई फेस. नाउ यू कैन सी मुझे इसका इफ़ेक्ट काफ़ी अच्छा लगा. सो आप भी देख सकते हो अब मैंने वॉश कर लिया है एंड फाइनली आई विल शो यू हाउ इट लुक्स. अब मैं आ जाती हूँ अपने लंच प्रेप में. तो आज एक्चुअली मैंने सोचा कि राजमा चावल बनाते हैं. सो वहाँ पे मैंने अपने चावल को बॉईल करने के लिए रख दिया है एंड मैंने राजमा को ओवरनाइट वाटर में सोक करने के लिए रख दिया था. अब मैं इसको पानी में डाल के उसे प्रेशर कुक करने वाली हूँ अराउंड 4 to 5 वेसल तक. मैंने थोड़ा सा हल्दी और नमक भी ऐड कर दिया है. इट्स कम्प्लीटली ऑप्शनल, आप चाहो तो कर सकते हो और एल्स यू कैन जस्ट स्किप दिस स्टेप. एंड अच्छे से मिक्स करके मैं अब इसे प्रेशर कुक करने वाली हूँ. सो जब तक मेरा राजमा बॉयल हो रहा है मैं उसका मसाला रेडी कर लेती हूँ. तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में ऑयल ऐड किया है और फिर मैं ऐड कर रही हूँ खरे गरम मसाले एंड जीरा और बे लीव्स. मैं अब इसको अच्छे से सॉटे कर लूँगी. नाउ आई विल ऐड द रफली चॉप्ड ऑनियंस और मैं उसको अच्छे से सॉटे कर लूँगी और तब तक फ्राई करूँगी जब तक वो एक गोल्डन ब्राउनिश टेक्सचर ना दे. फिर मैं ऐड करूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट एंड फिर सबको अच्छे से मिक्स करके उसको कुछ देर तक पकाएंगे हम लो फ्लेम पे. एक बार जब आपका मसाला अच्छे से भून चुका है अब यहाँ पे मैं ऐड करूँगी टमाटो प्यूरी. अब हम अपने टमाटो प्यूरी को तब तक पकाएंगे जब तक इसका रॉ स्मेल ना चला जाता है. सो हमें अराउंड 2 to 3 मिनट्स तक इसको लो फ्लेम पे पकाना है. यहाँ पे मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ एज़ पर टेस्ट. फिर मैं ऐड करूँगी हल्दी पाउडर, क्यूमिन पाउडर और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर. रेड चिली पाउडर का क्वांटिटी मैं थोड़ा सा ज़्यादा रखूँगी बिकॉज आई लाइक माई फूड बिट स्पाइसी. आप अपने अकॉर्डिंग उसको डाल सकते हो. फिर मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पे थोड़ा सा पानी सो दैट हमारा मसाला जल ना जाए. सो आप बीच बीच में मिक्स करते रहिए और उसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते रहिए सो दैट आपका मसाला जल ना जाए. यहाँ पे मैं चिकन कीमा ऐड कर रही हूँ. आप उसके जगह पे मटन कीमा भी ऐड कर सकते हो और एल्स आप इस स्टेप को कम्प्लीटली स्किप कर सकते हो. अब हम कुछ देर इसको ढक के पकाएंगे. यहाँ पे मेरा राइस भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है. बस मुझे इसे स्ट्रेन करके बाहर निकालना है. सो मैं यहाँ पे चेक कर लेती हूँ एक बार कि ये परफेक्टली कुक हुआ है या नहीं. यहाँ पे मेरा राजमा भी अच्छे से बॉयल हो चुका है आप देख सकते हो एंड माई मसाला इज़ ऑल रेडी. नाउ आई विल स्टार्ट एडिंग द बॉयल्ड राजमा. अब मैं सबको अच्छे से मिक्स कर लूँगी एंड फिर अराउंड 5 to 10 मिनट्स तक इसको मैं पकाऊँगी. आई हैव ऑल्सो एडेड 1 tablespoon शुगर. ये क्या करता है कि आपके टेस्ट को बैलेंस करता है. अब मैं 1 tablespoon घी ऐड करूँगी. ये ना आपको बहुत अच्छी फ्लेवर देता है. एंड लास्टली मैं ऐड कर रही हूँ गरम मसाला. एंड नाउ आई विल फिनिश ऑफ विथ सम कस्तूरी मेथी एंड सम फ्रेश क्रीम ऑन द टॉप.
बस मेरा राजमा इज़ ऑल रेडी। मैं इसको और अच्छा बनाने के लिए थोड़ा सा बटर क्यूब ऐड कर रही हूँ। लास्टली टारा, इट्स कंप्लीट। अब मैंने सोचा कि राइस में थोड़ा सा एक ट्विस्ट एंड टर्न किया जाए। सो मैं यहाँ पे घी ऐड की हूँ और मैं यहाँ पे जीरा फ्राई कर रही हूँ। एंड फिर मैं अपने बॉयल्ड राइस को ऐड करके जस्ट सबको अच्छे से मिक्स करके आई विल जस्ट मेक अ जीरा राइस काइंड ऑफ थिंग। एंड दिस इज़ हाउ माई लंच लुक्स लाइक, जीरा राइस, राजमा एंड सम सैलड। शाम को मैं और मेरी सिस्टर थोड़ा शॉपिंग करने निकले थे, सो मैं वही सोची कि आपके साथ शेयर करूं। सो मेरी सिस्टर को कुछ लेना था तो हम ऐसे ही शाम को बाहर निकले थे। एंड यहाँ पे एक नियर बाय शॉप है, वहाँ से उसको कुछ खरीदना था। सो चलिए देखते हैं क्या खरीदती है वो। सो हम पहुँच गए हैं रत्ना स्टोर। आप देख सकते हो दे हैव ह्यूज कलेक्शन इन एवरीथिंग। किचन आइटम्स में उन लोग का बहुत सारा वैरायटीज है। मैं आपको थोड़ा थोड़ा ग्लिम्स दिखाती हूँ। प्राइसेस आर वेरी रीजनेबल एंड द प्रोडक्ट्स दे आर रियली वेरी नाइस। कुछ डेकोरेटिव आइटम्स भी यहाँ पे थे, दीज आर रियली वेरी नाइस। आप किसी को चाहो तो गिफ्ट कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। सो दीज आर सम कलरफुल जार्स, आप इसमें मसाला या अचार या कुछ भी और डाल के रख सकते हो एंड इट रियली लुक्स सो प्रिटी। यहाँ पे कुछ भगवान जी की मूर्ति और पूजा का बहुत सारा सामान था, प्लस आप होम डेकोर के लिए भी अगर कुछ चाहें तो यहाँ पे सब कुछ था एंड बहुत ही रीजनेबल प्राइस में आपको मिलेगा। सो यहाँ पे आपको होम डेकोर की हर एक चीज़ मिल जाएगी, इंक्लूडिंग बेडशीट से लेके बेड कवर तक। ऑल टुगेदर मुझे ये स्टोर काफ़ी पसंद आया। हमारी शॉपिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है एंड वी आर गोइंग बैक टू होम। आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट।